हाय बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी साइंस। ओके, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे आज हम लोग, और यूनिट सेकंड उसका पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस का बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड। बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का पॉलिटी साइंस पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड। ठीक है, बीए पार्ट वन सेमेस्टर टू का पॉलिटिकल साइंस यूनिट सेकंड का प्रश्न नंबर फाइव पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फाइव क्या कर रहा है देखिए बच्चों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत और आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक विधियों का जो है वर्णन करना है, स्पष्टीकरण करना है, वो हम लोग को देखना है। अथवा में यहाँ राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है, राज्य और उसका सामान्य समस्या जो है उसका अध्ययन करता है राजनीतिक विज्ञान। इस कथन के संदर्भ में परंपरागत तथा आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान जो है की व्याख्या कीजिए। इस कथन के संदर्भ में परंपरागत और राजनीतिक विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण से जो है उसका व्याख्या करना है हम लोग को। ओके, व्यवहारवाद का अर्थ तथा विशेषताएं बताते हुए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान तथा व्यवहारवाद में अंतर बताइए। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और व्यवहारवाद में अंतर बताना है। परंपरावाद तथा व्यवहारवाद, व्यवहारवाद वो बताना है हम लोग को, परंपरावाद तथा व्यवहारवाद के बारे में बताना है, अंतर बताना है। उत्तर क्या कह रहा है देखिए यहाँ, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा देखिए। ठीक है, व्यवहारवाद का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। व्यवहारवाद का वर्तमान शताब्दी में, व्यवहारवाद का वर्तमान शताब्दी में उदित हुआ था, उजागर हुआ था, उसका उत्पन्न हुआ था। राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है क्या है, वर्तमान समस्याओं की जटिलता तथा व्यापकता के कारण परंपरागत पद्धतियां अपर्याप्त तथा अपूर्ण सिद्ध हुई, अपर्याप्त तथा अपूर्ण सिद्ध हुई। अतः एक ऐसी धारणा की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो कि अधिक उपयोगी, व्यवहारवादी तथा वास्तविक हो, व्यवहारवादी तथा वास्तविक हो। ओके बच्चों, इसी धारणा के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ। इसी धारणा के कारण क्या हुआ, व्यवहारवाद का उदय हुआ। व्यवहारवाद की मूल मान्यता यह है कि, व्यवहारवाद की मूल मान्यता क्या है, यह है कि, नेक्स्ट देखिए आगे जो है, व्यवहारवाद की मूल मान्यता यह है कि क्या है, यहाँ थे हम, मूल मान्यता यह है कि मनुष्य का व्यवहार बहुत सीमा तक उसकी अपनी प्रवृत्तियों, अभिलाषाओं, रुझानों, भावनाओं तथा आकांक्षाओं में इतना अधिक प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इतना अधिक प्रभावित होता है कि कानूनी प्रावधान तथा मूल्य काफ़ी समय तक सारहीन तथा निरर्थक सिद्ध होता है, काफ़ी समय तक सारहीन तथा निरर्थक सिद्ध होता है। राज घटनाओं, संस्थाओं, कानूनी प्रावधानों, संविधानों, ठीक है, का आदि का अध्ययन करने की अपेक्षा व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार का अध्ययन करना अधिक अच्छा तथा अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। ठीक है, इस धारणा ने सामाजिक विज्ञानों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इस धारणा ने सामाजिक विज्ञानों में क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। ओके, इसके जो है परिणाम स्वरूप राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक भूगोल इत्यादि विषयों का उदय हुआ। राजनीतिक विज्ञान के समय जो है परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक भूगोल जो है आदि का उपयोग हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कमेंट करिएगा, बता देंगे हम लोग। व्यवहारवाद के अर्थ के संबंध में व्यवहारवादी विद्वानों के विचारों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है। क्या अभाव पाया जाता है, एक रूपता का अभाव पाया गया। कुछ विद्वानों के मता अनुसार व्यवहारवाद एक मनोदशा, मूड तथा मनोवृत्ति, एटीट्यूड है। ठीक है,
व्यवहारवाद के पितामह डेविड ईस्टन के मतानुसार यह एक वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। यह एक वैज्ञानिक मनोदशा का क्या है? प्रतिबिंब है। ईस्टन ने इसे विभिन्न नामों बौद्धिक प्रवृत्ति तथात्मक शैक्षणिक, ठीक है, बौद्धिक प्रवृत्ति तथात्मक शैक्षणिक जो है अध्ययन की सुविधा से जो है बहुत बार बताया गया है। मतानुसार यह एक वैज्ञानिक मनोदशा का प्रतिबिंब है। ईस्टन के अनुसार क्या बताया गया है? देखिए, ईस्टन ने विभिन्न नामों बौद्धिक प्रवृत्ति तथात्मक शैक्षणिक रिवॉल्यूशन इत्यादि नामों से पुकारा। रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद को परंपरावादी पद्धति की सैद्धांतिक के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन प्रोटेस्ट मूवमेंट कहा है। अतः व्यवहारवाद उपागम में अध्ययन का केंद्र बिंदु संस्थाएं न होकर व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है। व्यवहारवाद संस्थाएं में व्यक्ति का संस्थागत, संस्थाएं न होकर व्यक्ति का राजनीतिक जो है व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। जी ए आमंड तथा जी बी पावेल ने अपनी पुस्तक कंपरेटिव पॉलिटिक्स में, ये आमंत तथा जीवी पावेल ने अपनी पुस्तक कंपरेटिव पॉलिटिक्स में लिखा है, क्या लिखा है? व्यवहारवादी उपागम का सीधा अर्थ यह है कि राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। वास्तविक व्यवहार का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। कानूनी मानकों की विषय वस्तु, विचारधाराओं तथा औपचारिक संस्थाओं पर उतना ध्यान न दिया जाए, उनसे इतना ही सरोकार रखा जाए जहाँ कितना उनसे उतना ही सरोकार रखा जाए जहाँ जो है क्या हो, जहाँ तक वे राजनीतिक कार्यवाही को प्रतिबिंबित या प्रभावित करते हैं, राजनीतिक कार्यवाही को प्रतिबिंबित या प्रभावित कर रहे हो। ओके, रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी क्रांति जो है राजनीतिक प्रति असंतोष का परिणाम, जिसका उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। राजनीतिक विज्ञान को क्या करना है? अधिक वैज्ञानिक बनाना। डेविड टूमैन के अनुसार व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है, व्यवहारवाद एक ऐसे विचार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक घटनाओं को समाज के अलौकिक तथा अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित किया गया है। अलौकिक तथा आलोचनात्मक व्यवहार के आधार पर विवेचित किया गया है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? देखिए, व्यवहारवाद की विशेषताएं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ना हम लोग को। फर्स्ट, अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार। अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था और उसका व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार का भी वर्णन करना है। व्यवहारवादी विचारक अपने दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को मानते हैं, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को मानते हैं। राजनीति व्यवहार जो है का अर्थ बताते हुए डेविड टूमैन ने क्या कहा है? राजनीतिक व्यवहार में व्यक्तियों तथा समूहों के, देखिए यहाँ, व्यक्तियों तथा समूहों के वे सभी कार्य तथा प्रतिक्रम सम्मिलित होते हैं जो शासन से विधि से संबंधित है, जो शासन की विधि से संबंधित हो। इस विचार के साथ राजनीतिक व्यवहार के शीर्षक के अधीन वे सभी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं जो शासन का हिस्सा भी मानी जाती हैं, ठीक है। प्रयोग सिद्धि अध्ययन व्यवहारवादी अध्ययन, प्रयोग सिद्धि अध्ययन और व्यवहारवादी अध्ययन। सेकेंड नंबर, अनुभव पर आधारित व्यवहारवाद में राजनीति तथ्यों का अध्ययन मानव के व्यवहार अर्थात जो है इसके आधार पर किया जाता है, इसमें मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवादी में मूल्यों का कोई स्थान नहीं दिया गया। किसका? मूल्यों का। मूल्यों का कोई स्थान नहीं दिया गया। व्यवहारवादी अध्ययन के लिए क्या होना चाहिए, वॉट टू बी, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। व्यवहारवादी अध्ययन में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया प्रक्रिया पॉलिटिक्स प्रक्रिया पॉलिटिक्स
प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया क्या होती है उसका देखा जाता है। पॉलिटिक्स प्रक्रिया, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित तथा एकत्रित करके तथा उनका वैज्ञानिक पद्धतियों तथा विधियों द्वारा परीक्षण तथा निरीक्षण करके परिणाम निकाले जाते हैं तथा मानव व्यवहार को निश्चित किया जाता है। मानव व्यवहार को क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है। थर्ड, अस्थिर निष्कर्ष, अस्थिर निष्कर्ष निकालना। व्यवहारवादी विचारक यह मानते हैं कि उनके निष्कर्ष अस्थायी होते हैं क्योंकि मानव गतिशील, परिवर्तनशील तथा विवेकशील होता है। क्या है? मानव जो होता है गतिशील भी होता है, गतिशील भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है और क्या होता है? विवेकशील भी होता है, विवेकशील भी होता है। मानव गतिशील, परिवर्तनशील तथा विवेकशील होता है। केवल यही नहीं अपितु परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। परिस्थितियां क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। अतः प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीतिक विज्ञान में भी परिणाम शुद्ध व अटल नहीं होते। राजनीतिक विज्ञान में भी परिणाम शुद्ध व अटल नहीं होंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, संरचनाओं, संस्थाओं तथा धारणाओं के अध्ययन का महत्व न होना। संस्थाओं, संरचनाओं तथा धारणाओं के अध्ययन का कोई महत्व नहीं होना, फोर्थ नंबर पॉइंट कह रहा है। देखिए व्यवहारवादी विचारक जो है, व्यवहारवादी विचारक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानते हैं। उनकी दृष्टि में संरचनाओं, संस्थाओं तथा धारणाओं के अध्ययन का कोई महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, पीटर एच मर्कल के मतानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च अदालत कांग्रेस की संस्थाओं के रूप में अध्ययन करने की अपेक्षा व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक सर्वोच्च अदालत के जजों तथा कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों के व्यवहार नमूने का अध्ययन करते हैं। फिर से ये रिपीट करते हैं लाइन बच्चों, देखिए यहाँ पीटर एच मर्कल के मतानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च अदालत कौन है? कांग्रेस की संस्था जो है उसमें अध्ययन करने की अपेक्षा व्यवहारवादी विचार के समर्थक जो हैं सर्वोच्च अदालत के जजों तथा कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य के व्यवहार नमूने का अध्ययन करते हैं। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्या है ये देखिए, फाइव नंबर। व्यवहारवाद में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन जो है को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, अर्थात मनुष्य के राजनीतिक जीवन के अन्य पहलुओं, आर्थिकी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। ओके, इसलिए इसमें अंतरशास्त्रीय अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतरशास्त्रीय अध्ययन को क्या किया जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार जो है का निरीक्षण हो जाता है। मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार का क्या होता है? निरीक्षण हो जाता है, उसका जो है करेक्शन हो जाता है। मनुष्य के संपूर्ण व्यवहार का निरीक्षण हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। व्यवहार में एक रूपता, व्यवहार में जो है एक रूपता क्या है? व्यवहार में एक रूपता, ठीक है, व्यवहार में एक रूपता क्या है? ठीक है, हिंज युलाऊ के मतानुसार व्यवहारवादी विचारक व्यक्ति जो है तथा समूहों के व्यवहार को एक रूपता खोजने का प्रयत्न करते हैं। समूहों के विचार को एक रूपता खोजने का प्रयत्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष कहा जाता है कि व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें रूपवाद, संस्थागत तथा कानूनी अध्ययन की अपेक्षा व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार केंद्र बिंदु है। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार क्या है? केंद्र बिंदु है। इसमें सुनिश्चित योजना एवं तकनीकों का प्रयोग राजनीतिक जो है व्यवहार का अनुमान लगाने में सहायता देता है। राजनीतिक व्यवहार का अनुमान लगाने में क्या करता है? सहायता देता है। व्यवहारवाद की आलोचना भी हुई है, व्यवहारवाद की आलोचना भी क्या हुई है? निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। व्यवहारवाद की क्या आलोचना की गई है? देखिए आलोचना, आलोचना
व्यवहारवादी पद्धति संपूर्ण नहीं है, क्या है? संपूर्ण नहीं है। व्यवहारवादी पद्धति राजनीति के अध्ययन की अनेक पद्धतियों में से एक है। व्यवहारवादी पद्धति जो है राजनीतिक पद्धति की अनेक पद्धतियों में से एक है। व्यवहारवादी प्राय मान लेते हैं कि वह एकमात्र पूर्ण पद्धति है, एकमात्र पूर्ण पद्धति है। यह उनकी भारी भूल है। क्या भूल है? राजनीतिक अनुसंधानकर्ता का केवल इस एक पद्धति से काम नहीं चल सकता। राजनीतिक अनुसंधानकर्ता का केवल इस एक पद्धति से काम नहीं चल सकता, ठीक है। मलफर्ड क्यू सिबली का कथन है कि राजनीति के अध्ययन को व्यवहारवादी से कुछ अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ अधिक होना चाहिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कुछ अधिक होना चाहिए। उसे इतिहास विधि शास्त्र, उसे इतिहास और विधि शास्त्र का तथा नीति शास्त्र भी होना चाहिए। उसे इतिहास और विधि शास्त्र और नीति शास्त्र भी होना चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए बच्चों, नैतिक मूल्यों की अपेक्षा। नैतिक मूल्यों की अपेक्षा क्या बोलता है? नैतिक मूल्यों में अपेक्षा भी होती है, उसको अपेक्षा में क्या बोला था? व्यवहारवादी पद्धति का एक बड़ी कमी है यह है कि वह नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। व्यवहारवादी क्रांति में एक नैतिक मूल्यों की उपेक्षा का भी वर्णन किया गया है। यह वह नैतिक मूल्यों के विषय में तटस्थ रहने पर आग्रह करता है कि राजनीति का संबोधन मानव जाति से है। मनुष्य की कोई क्रिया मूल्यों से शून्य नहीं हो सकती। मनुष्य की कोई क्रिया जो है मूल्यों से शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। हर मनुष्य में उचित अनुचित की, नैतिक अनैतिक की जनजात भावना होती है। हर मनुष्यों में उचित अनुचित और जनजाति भावना भी होती है, ठीक है। ये संबंध में चाहे जागरूक या सचेत भले ही नहीं है, इस संबंध में हम लोग जागरूक और सचेत भले ही नहीं, स्टोरी की तरह समझ में आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अतः मनुष्य की कोई राजनीतिक क्रिया मूल्य विहीन नहीं हो सकती। मनुष्य की कोई राजनीतिक क्रिया जो है मूल्य विहीन नहीं हो सकती है, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीतिक विज्ञान की विषय सामग्री में अंतर। प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीतिक विज्ञान को एक ही स्तर पर खड़ा करना व्यवहारवादियों की एक अन्य कमजोरी है, क्योंकि दोनों की विषय सामग्री बहुत अधिक अंतर नहीं है। दोनों की विषय सामग्री में क्या है? बहुत अधिक अंतर नहीं किया गया। व्यवहारवाद की क्षेत्र अधिक सीमित। व्यवहारवादी ज्ञान के क्षेत्र को सीमित करता है। व्यवहारवादी ज्ञान के क्षेत्र को क्या करता है? सीमित करता है। वह केवल उसी आधार सामग्री डेटा को स्वीकार करता है जो अनुभविक पद्धति से प्राप्त होती है। अनुभववाद की परिभाषा संकुचित है। अनुभववाद की परिभाषा क्या है? संकुचित है। कुछ गिनी चुनी पद्धतियां सम्मिलित हैं। अनुसंधान की कुछ गिनी चुनी पद्धतियां क्या हैं? सम्मिलित की गई हैं, जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, सहभागी परीक्षण आदि। किंतु आधार सामग्री प्राप्त करने की अन्य पद्धतियां भी हैं। ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति आदि की क्या की गई है? उपेक्षा करनी भारी भूल है। ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति आदि की उपेक्षा करना जो है वो भारी भूल साबित हो सकती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप लोग, वैज्ञानिकता संबंधी दावा अनुचित है। वैज्ञानिकता संबंधी दावा क्या है? अनुचित दर्शाया गया है। वैज्ञानिकता संबंधी दावा अनुचित है। व्यवहारवादी वादियों का यह दावा राजनीतिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के समक्ष खड़ा किया जा सकता है। कोरा भ्रम है। राजनीतिक क्रियाओं के पीछे अनगिनत व्यक्तियों की इच्छाएं, धारणाएं, मूल्य आदि प्रेरक तत्वों के रूप में काम करते हैं। उनके पीछे कोई ऐसे नियम नहीं होते जिनकी तुलना प्राकृतिक नियमों से की जा सके।
जहाँ नियम नहीं है वहाँ वैज्ञानिकता कैसी, जहाँ नियम है ही नहीं, जहाँ रूल है ही नहीं, वहाँ वैज्ञानिकता कैसी हो जाएगी? ठीक है, वैज्ञानिकता वहाँ कुछ नहीं होगी। विषय वस्तु की अवहेलना, विषय वस्तु की अवहेलना क्या है? देखिए, यहाँ व्यवहारवादियों द्वारा अपने अध्ययन में तकनीकियों पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि वह अनेक बार विषय वस्तु की अवहेलना कर बैठते हैं। अनेक बार क्या करते हैं? विषय वस्तु की अवहेलना कर बैठते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। एवरी लिसरन के अनुसार, एवरी लिसरन लिसरसन के अनुसार व्यवहारवादी विचारक आंकड़ों को एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्मृत कर देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या करते हैं? विस्मृत कर देते हैं। व्यवहारवादी तथा परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में अंतर, व्यवहारवादी तथा परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में अंतर क्या होता है? प्लेटो से मार्क्स तक सभी लेखकों ने परंपरागत अध्ययन पद्धति को अपनाया है। ठीक है, प्लेटो से मार्क्स तक, कार्ल मार्क्स तक, जबकि व्यवहारवादी पद्धति का अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ? अमेरिका में। देखिए, यहाँ अमेरिका में जो है व्यवहारवादी तत्व का प्रारंभ हुआ। दोनों पद्धतियों में प्रमुख अंतर अग्रलिखित है। दोनों पद्धतियों में क्या है? प्रमुख अंतर जो है अग्रलिखित किया गया है। देखिए, यहाँ परंपरागत अध्ययन पद्धति जो है, परंपरागत अध्ययन पद्धति में राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं का वैधानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, नैतिक तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य के लक्ष्यों तथा सरकार के क्षेत्र एवं कार्यों का अध्ययन होता है। सरकार के क्षेत्रों और कार्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यवहारवादी पद्धति जो है, व्यवहारवादी पद्धति में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी पद्धति में राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति तथा उसके समूह जो हैं, व्यवहार तथा संस्थाओं के विषय में क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। व्यवहारवादी संस्कृति के रूप में जो है, संस्थाओं के रूप में क्रिया और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं एवं घटनाओं के अतीत तथा वर्तमान का जो है, अतीत मतलब पीछे, वर्तमान मतलब अब, अध्ययन करके उनका ध्येय निर्धारित किया जाता है, उनका टारगेट निर्धारित किया जाता है, उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जबकि व्यवहारवादी पद्धति में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। परंपरागत पद्धति में व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष तथा उससे संबंधित संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन भी किया जाता है, किंतु व्यवहारवाद सामाजिक शास्त्र के आपसी संबंधों तथा एकता में विश्वास करता है। एकता में क्या करता है? विश्वास करता है। इसके अनुसार जो है व्यक्ति के व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई गई है, एक मूलभूत यूनिटी पाई गई है, एकता पाई गई है, यूनिटी यूनिटी पाई गई है, जाती है, और इसी के कारण सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। यह अंतर अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में विश्वास करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप। रॉबर्ट ए डहल जो है क्या कहते हैं? रॉबर्ट ए डहल के शब्दों में क्या कहते हैं? व्यवहारवाद राजनीतिक अध्ययनों की आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, उपलब्धियों तथा दृष्टिकोण के निकट लाने में सफल हुआ है। ठीक है, उपलब्धियों तथा दृष्टिकोण के निकट लाने में सफल हुआ है। परंपरावादी पद्धति में क्या होना चाहिए? परंपरावादी पद्धति में जो है क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी पद्धति में क्या होना चाहिए इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, जबकि जो है व्यवहारवाद में क्या, कब, कहां तक, कैसे की खोज की जाती है। दूसरे शब्दों में परंपरागत जो है ट्रेडिशनल पद्धति में राजनीतिक आदर्शों की खोज की जाती है। राजनीतिक आदर्श भी कुछ हुए हैं, उनकी भी खोज की जाती है। ठीक है, जबकि व्यवहारवादी पद्धति में राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण भी किया जाता है। राजनीतिक व्यवहारवादी विश्लेषण भी उसमें किया गया है। ठीक है, परंपरागत पद्धति में सिद्धांत से व्यवहार की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। परंपरागत पद्धति में जो है सिद्धांत से व्यवहार की ओर जाने का प्रयास किया गया है। ठीक है,
जबकि व्यवहारवादी पद्धति में व्यवहार से सिद्धांत की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है। व्यवहारवादी पद्धति में व्यवहार से सिद्धांत की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है और परंपरागत पद्धति में व्यवहार की ओर जाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार जहाँ परंपरागत पद्धति सिद्धांत पर विशेष बल देती है, वहीं व्यवहारवादी पद्धति में सिद्धांत पर जो है का प्रयोग किसी घटना या तथ्य की सुव्यवस्थित व्याख्या के लिए किया गया है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया के लिए किया गया है। परंपरागत पद्धति में अध्ययन जो है क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता है, जिसमें राज्य सरकार तथा राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति विकास आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। आदि का क्या किया जाता है? विस्तार से एक्सपेंडेड फॉर्म में उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यवहारवाद में किसी बिंदु का इकाई के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसमें मनुष्य के राजनीतिक आचरण तथा व्यवहार का विश्लेषण करता है, जिसमें मनुष्य के राजनीतिक आचरण तथा व्यवहार का जो है विश्लेषण करता है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? परंपरागत पद्धति में जहाँ राजनीतिक संस्थाएं जो है ऐतिहासिक तथा दार्शनिक जो है ऐतिहासिक तथा दार्शनिक पद्धति का उपयोग किया गया, परंपरागत पद्धति में जहाँ राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक तथा दार्शनिक जो है आधार पर अध्ययन किया जाता है, वहां व्यवहारवादी पद्धति में व्यक्ति के बाह्य आचरण तथा उसके नैतिकता भावनात्मक ज्ञानात्मक तथा मूल्यनात्मक प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है, उसके भावनात्मक ज्ञानात्मक तथा नैतिकता का भी आकलन मूल्यांकन किया जाता है। 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, देखिए यहाँ, परंपरागत पद्धति में राजनीति विज्ञान को आचार शास्त्र का सहयोगी माना जाता है, जबकि व्यवहारवादी पद्धति में राजनीति विज्ञान को आचार शास्त्र के नियंत्रण से मुक्त माना गया है। जबकि व्यवहारवादी विज्ञान में जो है आचार शास्त्र के नियंत्रण से क्या किया गया है, मुक्त माना गया है। 9 नंबर पॉइंट देखिए यहाँ, परंपरागत अध्ययन पद्धति में अध्ययन मूल प्रधान होता है, जिसमें विशिष्ट आदर्शों पर आधारित राज्य व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास होता है, विशिष्ट मूल्यों पर राज्य व्यवस्था आधारित करने का प्रयास होता है। जबकि व्यवहारवादी पद्धति में इस प्रकार के मूल्यों का कोई महत्व नहीं प्राप्त होता है, इस प्रकार के मूल्यों का कोई महत्व नहीं प्राप्त। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परंपरागत तथा व्यवहारवादी दोनों अध्ययन पद्धतियाँ जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। रॉबर्ट ए डहल के शब्दों में क्या बोलते हैं, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, असंतोष का परिणाम है, जिनका उद्देश्य विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, जिनका उद्देश्य विज्ञान को क्या है, अधिक वैज्ञानिक बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स बरेली। वीडियो अच्छा लगे शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आप लोग को। ध्यान से इस वीडियो को जो है रेगुलर एक क्रम से देखते रहिए और सब आप लोग को समझ में आएगा, सारा कंप्लीट में हो जाएगा। बायराज सर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स बच्चों।